नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है तरबूज का शरबत या लेमनेड जिसे कह सकते हैं। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। तरबूज छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 4 कप, चीनी 4 बड़े चम्मच या स्वादानुसार, काला नमक आधा छोटा चम्मच, ताज़ा नींबू का रस 1/2 कप। और अब हम इसको बनाने की विधि समझ लेते हैं। सबसे पहले तरबूज में से हमें जो बड़े बीज हैं काले वाले उनको निकालना है, तो टूथपिक की सहायता से हम उनको निकाल लेंगे। टुकड़े छोटे छोटे हैं तो उनको निकालने में हमें आसानी होगी। जो छोटे छोटे सफ़ेद बीज हैं उनको हम छोड़ सकते हैं, उनके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार हम सारे टुकड़ों में से जो बीज हैं टूथपिक की सहायता से निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने टुकड़े छोटे छोटे करे हुए हैं, तो ये 5 मिनट में आपके ये सारे निकल जाएंगे। तो ये देखिए आपके सारे बीज निकल गए। अब इसको एक ब्लेंडर में डाल के इसको एकदम अच्छे से पीस लीजिए, बिल्कुल बढ़िया प्यूरी बना लीजिए। अब इस प्यूरी को हम छान लेंगे, अच्छे से इसे हमें छान लेना है। इससे अगर जो कुछ बीज आ गए होंगे तो वो भी छन जाएंगे, वो हमारे लेमनेड में शरबत में नहीं आएंगे, और जो थोड़ा मोटा मोटा गूदा है वो भी हट जाएगा। तो थोड़ा दबाते हुए जो कुछ टुकड़े हों तो वो पिस जाएंगे, साथ में अभी आपके छन जाएंगे। तो इसको अच्छे से आप छान लीजिए। बहुत जल्दी बनने वाला और बहुत स्वादिष्ट होता है ये जूस। अब एक बाउल में चीनी लीजिए 4 बड़े चम्मच, और उसमें 1/2 कप गर्म पानी डाल दीजिए, और फिर उसके बाद इसको चलाइए और इस चीनी को घोल लीजिए। अब चीनी आप 4 चम्मच मैंने ली है, आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यदि तरबूज बहुत मीठा हो तो आप ना चाहें तो ना भी डालें चीनी। तो इसलिए आप जैसा वैसे, थोड़ा ठंडा चीज़ों में चीनी अच्छी लगती है। अब हमने इसमें इसी चीनी वाले घोल में नमक डाल दिया, काला नमक, और इसको अब हम घोल ले रहे हैं। ये मेरा पेट डॉग डेक्स्टर आ गया है पास में, स्मेल आ गई उसे, तो अब हमने इस नमक को इसमें घोल लेना है। अब एक बड़ा बाउल लिया मैंने, उसमें ये चीनी नमक वाला घोल जो था उसको डाला, और उसके बाद इसमें मैंने 3 कप ठंडा, बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी इसमें डाल दिया है, और इसके साथ मैं इसमें नींबू का रस भी डाल दूंगी 1/2 कप जो मैंने लिया हुआ है। इनको अच्छे से मिला लिया और फिर डाल दिया इसमें जो तरबूज का प्यूरी थी उसको डाल दिया, और फिर इन सब को बहुत अच्छे से मिला लिया। हमारा लेमनेड तैयार हो चुका है। अब बस इसे आप सर्व कर दीजिए ठंडा ठंडा बर्फ़ के क्यूब्स डाल के, और चाहें तो एक तरबूज के टुकड़े से उसको सजा भी दीजिए। ये जूस आप फ्रिज में 4 से 5 दिन तक आराम से रख के इसका आनंद उठा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको छाना नहीं, मान लीजिए आप उसको चाहते हैं कि गाढ़ा गाढ़ा ही आप पिए, तो फिर ये 2 या 3 दिन ही में आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।